Good morning, good afternoon, and good evening, all my students. I know we all have met in this past month and we are meeting again today. So, but this is not 5x5 or anything new, but this is your old syllabus, Flamingo Chapters, and many of you all were waiting for it. So, let us begin with our fourth chapter today, that is Rat Trap. So now this chapter, The Rat Trap, is a very beautiful, a very enriching, a very eye-opening chapter. Why? Because it tells us a lot about the world in general and how we should react to certain situations. ठीक है? ये सब के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करता है. Now I know जिससे बाकी टीचर्स हैं वो एक महीना के बाद मिल रहे हैं, सो दे मस्ट बी एड्रेसिंग टू यू ऑल, बट आई हैव मेट यू ऑल एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे, एंड दोज हु आर सीइंग मी आफ्टर अ मंथ, यू कैन ऑल्सो सी द 5x5 वीडियोज, बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन योर वोकैबुलरी एंड इट विल हेल्प यू इन लर्निंग इंग्लिश वर्ड्स, न्यू इंग्लिश वर्ड्स. ऑल राइट, सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर द रैट ट्रैप. फर्स्ट आई रीड अबाउट द ऑथर. Today, I'll just give an outline today, and from the next class, I'll begin with the entire chapter. Alright? Okay. So, let us read about the author. Selma Lagerlöf is the name of the author, was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. A universal theme runs through all of them. A belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. Please underline that. This is a belief that किसी भी इंसान के अंदर जो goodness होता है, essential जो उसके अंदर शुरू से होता है, essential goodness, वो कभी भी जगाया जा सकता है. How can we awaken through understanding and love? For example, we have lot of students. ठीक है, लेकिन कोई स्टूडेंट है जो मेरे क्लास में मान लो फॉर एग्जाम्पल खराब बिहेव करेगा लेकिन दूसरे टीचर के क्लास में अच्छा बिहेव करेगा. व्हाई? बिकॉज दैट टीचर मस्ट हैव अंडरस्टूड द स्टूडेंट प्रॉपरली एंड देयरफॉर वो स्टूडेंट वैसे ही रेसिप्रोकेट कर रहा है. जैसे हम लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल में पढ़े थे दैट मिस्टर कोच मैथ्स टीचर के साथ एल्बर्ट आइंस्टाइन का बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट था एंड हिस्ट्री टीचर एज वेल एज द हेड टीचर के साथ एल्बर्ट आइंस्टाइन का बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट था. व्हाई? बिकॉज जो एल्बर्ट के अंदर एसेंशियल गुडनेस था वो उसके हिस्ट्री टीचर या हेड टीचर नहीं पहचान पाए बट मैथ्स टीचर पहचान लिए थे. सिमिलरली हियर द चैप्टर इज टेलिंग अस दैट किसी भी इंसान के अंदर का जो गुडनेस है वो अंडरस्टैंडिंग एंड लव से समझा जा सकता है, ना कि उस इंसान को डांट के या धमका के. यू कैन अंडरस्टैंड. ऑल राइट, दिस स्टोरी इज सेट अमिड्स द माइंड्स ऑफ स्वीडन रिच इन आयर्न ओर which figure large in the history and legends of that country. The story is told somewhat in a manner of a fairy tale. So we all understand why it is a fairy tale. It's not exactly a fairy tale, but it's being said in a manner. For example, धीरे धीरे हम लोग को disclose होते जाएगा, reveal होते जाएगा कि आगे क्या हो रहा है. अच्छा ऐसा भी है, अच्छा ये था, अच्छा ये कहाँ से आ गया. So fairy tale में भी what happens, you are not told everything from the beginning. तुम धीरे 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 सब कुछ को जानते जाते हो as the story proceeds. In a similar pattern, we will be studying this chapter, The Rat Trap. Now, before I begin this chapter, I'm closing the book and I'm keeping it aside. I just want you all to understand this and I know I cannot hear any of you all, but you can answer it within, like in yourself. So, द रैट ट्रैप, हम ये बता चुके हैं कि कोई भी चैप्टर का अगर हम लोग कोई भी टाइटल लेते हैं, फर्स्ट वी लुक एट द टाइटल, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द चैप्टर. फॉर एग्जांपल लॉस्ट स्प्रिंग में वो मेटाफोरिकल था क्योंकि स्प्रिंग यहाँ वहां पर चाइल्डहुड लाइफ और ये सब डिनोट कर रहा था. सो चाइल्डहुड वॉज लॉस्ट मुकेश और साहिब के अंदर. डीप वाटर लिटरल मीनिंग था क्योंकि डीप वाटर था और वो इंसान जो ऑथर था वो डीप वाटर में डूब रहा था. नाउ रैट ट्रैप का यहां पर क्या हो सकता है, लिटरल मीनिंग है या मेटाफोरिकल मीनिंग है. नाउ अंडरस्टैंड रैट ट्रैप क्या होता है. ट्रैप किसी को पकड़ने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट, रैट
चूहा पकड़ने के इंस्ट्रूमेंट को हम लोग डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे, दैट इज रैट ट्रैप. ऑलराइट, नाउ ऑब्वियसली यहां पर रैट ट्रैप इज नॉट जस्ट द लिटरल मीनिंग, बिकॉज ये चैप्टर अंडरस्टैंडिंग के बारे में है, लव के बारे में है, ह्यूमन बेसिक गुडनेस के बारे में है. तो तुमको क्या लगता है चूहा पकड़ने का जो इंस्ट्रूमेंट है यहां तक लिमिटेड होगा? नो, द रैट ट्रैप, द टाइटल द रैट ट्रैप ऑफ इन द स्टोरी, दैट इज नॉट एट ऑल लिटरल, दैट इज कंप्लीटली मेटाफोरिकल. नो, यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ मेटाफोरिकल, कि डिक्शनरी मीनिंग नहीं होगा, उसका जो मतलब निकल रहा है वो हम एक अपना नया मतलब दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे लॉफ स्प्रिंग में था, स्प्रिंग खुशी का मौसम है, फ्लावर्स ब्लूम करता है, लाइफ का मौसम है. तो वहां पर जो स्प्रिंग डिनोट करता है, स्प्रिंग से क्या क्या लिंक किया जा सकता है, उस चीज को डाला गया था, क्वालिटीज को, ना कि स्प्रिंग को. सिमिलरली रैट ट्रैप चैप्टर में भी, जो टाइटल है इस चैप्टर में भी, रैट ट्रैप का जो मीनिंग है, चूहा पकड़ने का इंस्ट्रूमेंट, वो नहीं डाला जाएगा. बट उसका जो क्वालिटी है, जो कैसे एक ट्रैप आता है, इंसान कैसे लालच में, एक रैट कैसे लालच में जाता है और वो लालच में उस चीज का या कोई भी चीज का लालच में जाता है और वो उसमें फंस के रह जाता है, दिस कॉन्सेप्ट इज ब्रॉट इन द चैप्टर एंड इस कॉन्सेप्ट को लेके ये चैप्टर में आगे पढ़ाया गया है. ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल, जैसे रैट ट्रैप क्या क्या चीज को डिनोट कर सकता है, जैसे ये दुनिया रैट ट्रैप है. क्यों? क्योंकि ये दुनिया में हम लोग सब रैट्स की तरह है. कैसे? हम लोग सब कोई नौकरी के पीछे भाग रहा है, कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई शादी के पीछे भाग रहा है, एंड जब हम लोग उस चीज में जाते हैं और हम लोग को वो चीज मिल जाता है, कहीं ना कहीं फंस जाते हैं. इट इज जस्ट लाइक अ रैट रनिंग टूवर्ड्स चीज इन दैट रैट ट्रैप, एंड एज सून एज ही गोज देयर, वो वहां फंस के कंप्लीटली रह जाता है. सो दिस कॉन्सेप्ट जो अभी हम तुम लोग को बताएं, दैट इज डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, एंड इसमें कौन मेन कैरेक्टर है और वो कैसे कैसे चैप्टर डील करेगा, आई वुड लाइक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज रीड एटलीस्ट 2 pages ऑफ द चैप्टर. वाई? बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी एक्सट्रीमली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्रॉम द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, एंड इट इज अ लॉन्ग लॉन्ग चैप्टर. यू कैन टर्न थ्रू द पेजेस, दोज हू हैव देयर बुक्स, इट इज अ लॉन्ग चैप्टर. सो वी ऑल नीड टू बी पेशेंट, वी नीड टू कोऑपरेट, एंड तभी हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे. सो उसके लिए आप लोग को पहले ये चैप्टर को एटलीस्ट पहला पेज या 2 pages एटलीस्ट रीड करना होगा. दोज हू हैव देयर बुक्स, वो लोग बुक से पढ़ लेंगे, जो जिनके पास नहीं है वो लोग इंटरनेट से डाउनलोड करके बस थोड़ा सा ग्लिम्स ले लो कि ये चैप्टर शुरू कैसे हो रहा है, एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट द चैप्टर, और फिर हम चैप्टर को धीरे धीरे पढ़ाएंगे. इट इज अ फन चैप्टर, बहुत मजा आएगा. प्लीज कीप अटेंडिंग द लेक्चर्स, एंड रिगार्डिंग द अदर सेगमेंट विच आई एम ऑल्सो डूइंग, विच आई विल बी डूइंग साइड बाई साइड, ऑल द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग दैट विल बी देयर ऑन द इंस्टाग्राम पेज, सो यू ऑल विल बी अपडेटेड विद इट. So please keep watching, keep learning, keep studying, and we'll meet again in the next video. Till then, stay home and stay safe. Thank you.